24 घंटे अलर्ट रहकर पुलिस ने 225 लोगों की बचाई जान। टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे दे रही दूसरी जिंदगी। 18 अप्रैल 2023 का दिन, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारका स्थित यूनिट इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस IFSO की सोशल मीडिया अलर्ट टीम के कंप्यूटर पर अलर्ट आता है। अलर्ट को खोलने पर पता लगा कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ निवासी एक व्यक्ति उम्र 40 वर्ष ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर कि वह खुदकुशी कर रहा है। कुछ देर बाद वह वीडियो डिलीट कर देता है। इस पर ACP विजय गहलावत की टीम अलर्ट मोड में आ जाती है और वह तुरंत उक्त व्यक्ति का IP एड्रेस और मोबाइल नंबर निकालते हैं। पुलिस फरीदाबाद कंट्रोल रूम को भी सूचना दे देती है। ACP विजय गहलावत उस व्यक्ति से तुरंत बात करते हैं। पता लगा कि उसकी 6 वर्ष पहले शादी हुई थी। संतान नहीं होने पर पत्नी ने कोर्ट में तलाक का केस डाल दिया। इस कारण वह परेशान रहने लगा। डिप्रेशन में जाने के कारण वह खुदकुशी करना चाहता था। इसके लिए उसने वीडियो अपलोड किया था। दिल्ली पुलिस उस व्यक्ति के पड़ोस में रहने वाली युवक को सूचना देकर उस पर नजर रखने के लिए कहती है। दिल्ली पुलिस की सतर्कता के चलते उस व्यक्ति की जान बच गई। इसी तरह नवंबर 2022 में बवाना में रहने वाले युवक ने फेसबुक पर वीडियो डाला कि वह खुदकुशी कर रहा है। अलर्ट मिलते ही पुलिस टीम ने युवक का IP एड्रेस और मोबाइल नंबर निकाल कर बवाना व नरेला औद्योगिक थानों को सूचना देकर मौके पर भेजा। पुलिस ने युवक को खुदकुशी नहीं करने के लिए समझाया। युवक ने बताया कि बड़े भाई से विवाद के चलते वह परेशान था और खुदकुशी करना चाहता था। ये दो उदाहरण हैं कि दिल्ली पुलिस कैसे लोगों की जान बचा रही है। IFSO के पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि वह अब तक 225 लोगों की जान बचा चुके हैं। इनमें ज्यादातर छात्र व छात्राएं हैं। महिलाओं की संख्या भी काफी है। कोरोना काल से बड़ी खुदकुशी करने की प्रवृत्ति। उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि ज्यादातर मामलों में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और पीड़ित को बचा लेती है। वह 90% से ज्यादा मामलों में कामयाब हो जाती है।